मैं आपको साफ बताती हूँ, जिन जिन लड़कियों ने दोष लगाया है आप उनका बैकग्राउंड देखिए। निवस्त्र निवस्त्र इनका फोटोशूट देख, इनको फिल्म पाने के लिए मैं एक किसी का भी साथ नहीं। साजिद खान मेरा भाई, मेरा खानदान का कुछ नहीं लगता, मैं सिर्फ न्याय की बात करती हूँ कि उनका बैकग्राउंड देखती हूँ, ये फिल्म पाने के लिए कितने हद तक क्या क्या करती है। या आप मीडिया वाले हैं, आप देखिए, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं किसी पे कोई दोष नहीं लगा रही है, किसी पे कुछ नहीं लगा रही हूँ। आप खुद सामने से जब बोलते हैं एक मैसेज कि सर मैं ये करने को तैयार हूँ, सर मैं ये करने को तैयार हूँ, मुझे एक रोल दे दीजिए, और उसी फोन पर आप अपना मैसेज डिलीट कर देते हैं। अब अगला बंदा राजी हो जाता है, वो भी मैं उनको लगता है अरे ये मुझे खुद मैसेज करती है। आप भी इंसान है कि नहीं, तो किसी का करियर तबाह करने का किसी को अधिकार नहीं। तो आपका ये कहना है कि जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जैसे शर्लिन चोपड़ा आरोप लगा रही हैं, केवल जो है आरोप लगा देना ये मतलब नहीं कि जिसके ऊपर आरोप लगा दिया वो आरोप से दो गया, वो दोषी हो गया। देखिए, मैं सारी मीडिया बुला के अभी चार वकील को बिठा के पब्लिसिटी स्टंट कर दूंगी, है ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। तुम कोर्ट कचहरी में वीडियो फोन ये मैसेजेस नहीं चलते, वहाँ पर ईश्वर हर वक्त नीचे नहीं आ सकते, अल्लाह ईश्वर परमेश्वर, इसलिए कोर्ट कचहरी बनाया है हर इंसान के गुनाहों को न्याय दिलाने के लिए। अगर बहनों आपके साथ गलत हुआ है, आप कोर्ट कचहरी में जाइए, मीडिया ट्रायल करके झूठी पब्लिसिटी क्यों पा रही है। और राखी सिंपल चीज पूछ रही, उनके साइड भी तो सुना, भी देखो जो ना भी उनके जिसने भी उनके ऊपर आरोप लगाया है उनको भी एक बार पूछो, साजिद को भी इसके बारे में तुम्हारा क्या बोलना है। साजिद अभी अंदर है, एक बंदा अगर जेल में है, पिक्चर आप बाहर इतने भी कितना भी भौंकेंगे इसका मतलब नहीं है। वो एक बड़े रियलिटी शो में गया है, तो ये सब मुर्दे हैं मेरे लिए। ये जो लड़कियां हैं, ये जो आवाज़ झूठा झूठा बोल रही है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई या मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मुर्दे हैं, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं बिना मतलब के, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ वो मेरी बहनें हैं, अगर अगर आपके साथ सचमुच गलत हुआ है आप कोर्ट कचहरी जाइए और उसको फांसी की सजा दिलाइए, लेकिन आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ आप मीडिया का ट्रायल ले रही है और पब्लिसिटी पा रही है। नहीं तो इटली राखी के पास पहुंच जाइए। नहीं, मेरे पास मत पहुंचो। मैं जो बेकसूर है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो खुदा ने मुझे बनाया, जो बेकसूर है उसको साथ देने के लिए। अगर वो कहीं कसूरवार है, कोर्ट उसे कसूरवार ठहराता है, तो मैं भी चप्पल लेके खड़ी, क्योंकि किसी भी लड़की के साथ ये नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। शुक्रिया मेरा भाई।